आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे, कल हम भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। कौन वाला नाम में घुसा रहे पूजा क्या है पूजा का कल पर की अति करे जांच करे कचरा हाथ कथी चल गए तो जब जाने नहीं रहो अभी हम भगवानपुर प्रखंड के पीएचसी परिसर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष खड़े हैं। यहाँ पर भगवानपुर प्रखंड प्रमुख इंद्रजीत कुमार यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्या हो गया जो प्रखंड प्रमुख हैं और आपको गमछा बिछा कर धरने पर बैठना पड़ा है। सबसे बड़ी इस प्रखंड की समस्या है यहाँ पर रोगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें मानवता की ओर नहीं प्रयास किया जा रहा है और जो रोगी कोरोना जांच कराने के लिए आते हैं उनको यहाँ के सफाई कर्मी के द्वारा इलाज कराया जाता है और यहाँ के सफाई कर्मी के द्वारा उनकी जांच होती है। यह आज यह न्यूज चला और यह इससे पहले सोच लीजिए कितना चीज होता होगा अंदर, आज आप लोगों के नजर में आया। विभाग इस पर बहुत सारी खर्चा कर रही है लेकिन यह व्यवस्था बहुत ही लचर व्यवस्था है, इस पर कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिविल सर्जन को भी हम फोन करेंगे और बात करेंगे कि यहाँ की व्यवस्था नीचे से लेकर ऊपर तक की हर एक व्यवस्था को सुधार कीजिए, अन्यथा आज हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, कल हम भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। ये प्रखंड प्रमुख थे, काफी आग बबूला है, आखिर हो भी क्यों ना। यहाँ का जो सरकार जो है यहाँ पर पीएससी में कई तरह की योजनाएं जो होती है कल्याणकारी योजनाएं चलाया जाता है जो यहाँ के जो बीमार जो लोग पड़ते हैं उनका जो इलाज हो सके, लेकिन एक सफाई कर्मी के द्वारा जो है यहाँ पर कोरोना टेस्ट करवाया जाता है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर उनके साथ क्या दिखता है। और कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोगों का क्या कहना, क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं इतना बड़ा बड़ा केवल बिल्डिंग करा कर दिया गया है, इलाज के नाम पर यहाँ वो डॉक्टर भी सही नहीं रहता। अभी हम लोग 2 घंटा बैठे हुए थे, परवारी साहब अभी 5 मिनट पहले आए, इनका काम क्या है, समय से ड्यूटी करें और अपना जो जिम्मेवारी है उनको सही से निभाएं। पेशेंट को इलाज करने के लिए दवा मिलता है ना, एम्बुलेंस है, 2 गाड़ी प्राइवेट रखा हुआ है, वो ऐसे खड़ा होता है रोज दिन, उसमें केवल अगरबत्ती जलता है, पेशेंट को कोई सुनता नहीं है, क्यों सफाई के नाम पर भी एकदम कुछ नहीं है। चलिए और कुछ लोग हैं यहाँ पर, डिंपल जी हैं, पंचायत समिति हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे ये इनका क्या कहना है। देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बात करने जा रहे हैं, पहली बात है कि जितना बात प्रमुख साहब ने बोला है एकदम सही बोले हैं और जितने यहाँ की जनता बोले वो भी सब सही बात है। मैं एक बात का ये पूछना चाहता हूँ इनके प्रभारी से, क्या एक सफाई कर्मी से क्या आप कोई इलाज करवाते हैं, क्या ये सही है, उन्होंने कोई कोर्स कर रखा है? और सफाई करने वाला को कितना नॉलेज होता है आपको पूरा पता ही होगा, खुद मुझे पता है। उसके बाद पता चला इससे पहले भी बहुत ऐसी घटनाएँ हो चुकी थी कि आप मान लीजिए कोई जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उन्होंने बहुत मेहनत से वो पढ़ के आते हैं और वो अच्छे से सब ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे लोकल आदमी से इस तरह से कोरोना जांच करवा रहे हैं एकदम सरासरी गलत है। आज हम लोग धरना पर बैठे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि हम लोग कि आज बोले या खत्म हो गया, जब तक अगर यहाँ का प्रभारी आके सब व्यवस्थाएं ठीक नहीं होता है तो चाहे DM हो या CM हो वहाँ तक हम लोग चलेंगे और इसके आगे क्या बोले वो आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए अशोक जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करें, क्या अशोक जी आप तो अनुभवी लोग हैं और आपको ये जमीन पर बैठना पड़ा। इस हॉस्पिटल का स्थिति इतना खराब है कि गरीब आदमी की इलाज क्या होगा, उसका कोरोना जांच सफाई कर्मी करेगा और अभी हमने देखा इस हॉस्पिटल के सभी कोनों में प्रिकदान बना हुआ है, हॉस्पिटल
जो है स्वास्थ्य केंद्र खुद अस्वस्थ है। दूसरी बात है जो यहाँ जो बच्चा पैदा लेता है तो जन्म प्रमाण पत्र तुरंत देना चाहिए, लेकिन इसका जो माध्यम है गांव के अंदर जो आशा कर्मी है वो उस बच्चा वाली से 300, 400, 500 रुपया लेता है और तब उसको जन्म प्रमाण। तीसरी बात है जो यहाँ कोई जीवन रक्षक दवा नहीं मिलता है। एक दिन जब हम अपने खुद गए हॉस्पिटल बच्चा को लेकर तो सिर्फ 5 गोली दिया और सिर्फ भी नहीं दिया और उस काउंटर पर हम जब तक रहा खड़ा तो देखा जो कुछ ब्लैकियर उस काउंटर के आसपास रहता है और फर्जी तरीके से दबा के ब्लैक किया जाता है। ये हम तो अपने आप से उस दिन देखा जो वो बड़ा बड़ा वो पीचू नोचनी कलकल वाला वो एक आदमी को देखा जो 2 बार आया और वो लेके गया 2 बार आया हमारे सामने। ये हालात है यानी कि स्थिति ठीक नहीं है और प्रभारी साहब यहाँ हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा बैठल है जमीन और प्रभारी साहब गायब अभी आए हैं तुरंत 5 मिनट। मेरा कहना है जब यहाँ से जब प्रभारी फील्ड जाते हैं या क्षेत्र जाते हैं कहीं जाते हैं तो इस हॉस्पिटल के तो कोई प्रभारी होगा जरूर होना चाहिए। नियम तक जब स्कूल से शिक्षक बीआरसी आते हैं हेडमास्टर साहब काम से तो हमने देखा जो एक अपने शिक्षक का प्रभार लिख के देना पड़ता और यहाँ कहना यही चाहते हैं इस सरकार और यहाँ के जो अभी सिविल सर्जन बेगूसराय के हैं जो इस अस्पताल में जिसका गरीब के यहाँ उम्मीद और आशा साधा है उसका सही से इलाज हो और जो तकनीशियन हो या जो NM हो या डॉक्टर साहब हो वो खुद अपने काम करें और सफाई कर्मी वो जांच करे वो क्या करे ये जो है सीधा अनर्गल बात है जो जनता को ठकने का है काम है तो ये ठग कितना दिन चलेगा। इससे आज हम लोग कम आए हैं, एक बारगी सूचना मिला कम आए हैं लेकिन इससे बड़ा भी आंदोलन हो सकता इस हॉस्पिटल के सवाल, क्योंकि हॉस्पिटल से सीधा गरीब गुरबा का लगाव होना होता है और उम्मीद होता है। जो क्या लगते क्या भगवानपुर पीएचसी खुद जो है सो अस्वस्थ है क्या? हाँ अस्वस्थ तो है, अस्वस्थ है और हम तो समझते हैं जो ये प्रभारी साहब खुद अस्वस्थ प्रभारी साहब अस्वस्थ हाँ। चलिए तो ये मतलब यहाँ के भगवानपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधि थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है जो भगवानपुर PHC जो है खुद अस्वस्थ है। तो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हम उनसे भी बात करने का प्रयास कर रहे हैं। सर ऐसा क्या हो गया जो आज प्रखंड प्रमुख को आपके चैम्बर के आगे में जमीन पर बैठना पड़ा है? सर क्या लगता है उदाई के द्वारा जो करवाया जाए क्या कहाँ तक Thank you.
प्रशासन की जानकारी है विशेष संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा से उस पर भी इस संदर्भ में दावे परीक्षा किया गया, इसका जवाब बना के जिला को भेजा जा रहा है और बाकी उस समय की